शर्मनाक और भयानक, हिंसक। उत्तर प्रदेश, कल का दिन, अगस्त 25 और उसके पहले जुलाई 31, उत्तर प्रदेश और बंबई का महाराष्ट्र। दो ऐसे घटनाएं हुई जो नफरत भरे हिंसा जनक थी। कल एक छोटे से स्कूल में, नेहा पब्लिक स्कूल में, एक शिक्षक तृप्ति जी एक मुसलमान बच्चे को खड़ा करके बाकी बच्चों से हिंसक तरीके से एक वातावरण बना करके उनको स्टिग्मेटाइज करती है, उनको टारगेट करती है, मरवाती है, चटका मरवाती है। और अभी तक उत्तर प्रदेश की पुलिस की कोई कड़वी निंदा आई नहीं है, राजनीतिक ताकतों से भी खामोशी अभी भी प्राप्त है। हमारा भारत देश अन्य लोगों की संस्कृति, मजहब, जबानों से बना हुआ है। यहाँ के लोग आपस में साथ में रहते हैं। हमारे देश में बस परसों ही, नरसों ही, हम लोग सब ने तालियां बजाई थी जब वैज्ञानिक प्रोग्रेस से एक शानदार तरीके से चंद्रमायन के हमने आसमान पे देखकर मून पे लैंडिंग देखी। साथ साथ G20 की समिट सेलिब्रेट होती जा रही है। हमारे सबसे बड़े बड़े लीडरान जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने आप को पीठ पे तालियां बजा रहे हैं, मगर हमारे पाठशालाओं में, कक्षाओं में और भारत रेल के एक डिब्बे में चेतन सिंह जैसे एक रिवॉल्वर उठा करके 3 मुसलमान की मृत्यु करता है और तृप्ति जैसी एक शिक्षक नेहा पब्लिक स्कूल मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश पश्चिम में एक मुसलमान बच्चे को इस तरह स्टिग्मेटाइज करती है, जो एक शर्मनाक घटना है। ये दोनों उदाहरण मैंने क्यों उठाए, इसीलिए मैंने उठाया क्योंकि नफरत जब हमारे जगहों पे, खानदानों में, पब्लिक स्पेसेस में, कक्षाओं में, सड़कों पे छा जाती है तो हम एक सिविलाइज्ड नेशन जो है नहीं रहते हैं। और डर ये लगता है कि आक्रोश कहाँ है, लोगों का आक्रोश उबल के क्यों सड़कों पे नहीं आ रहा है। सोशल मीडिया पे जरूर टिप्पणी होती है, मगर सड़कों पे मोर्चे क्यों नहीं निकाले जाते हैं नफरत के खिलाफ। दोस्तों, अगर हम ये नफरत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, मुहिम तगड़ी नहीं करेंगे, मजबूत नहीं करेंगे, तो ये नफरत हमें ही खा जाएगी। मुझे अभी भी याद है वो दिन 92-93 पे जब मेरा शहर बम्बई जला था, और उस वक्त जब माहिम के टिम्बर मार्ट जलाया जा रहा था तो लिविंग रूम्स के अंदर, अमीर लोगों के लिविंग रूम्स के, फैंसी लिविंग रूम के अंदर ये बात की गई थी कि हमें तो अंदर से खुशी हो रही है क्योंकि अगले साल हमारा गणपति का जो प्रोसेशन बिना कोई रुकावट समंदर में चला जाएगा। हमारे संगठन ने एक ट्रायंगल बनाया है जिससे समझ में आता है कि ये पूर्वग्रहों से लेके, प्रेजुडिस से लेके जो हमारे अंदर चीज़ें बचपन से बसाई जाती है वो फिर कार्य में कैसे बदलती है, और उसके बाद भेदभाव और हिंसा, और उसके बाद आखिर में जनसंहार में तब्दीली कर देती है। आप यह न भूल लें, गए 9 साल में हमारे देश में क्या क्या हुआ है। मोहसिन शेख की हत्या, मोहम्मद इखलाक की का लिंचिंग, उसके बाद जुनैद, उसके बाद रहबर, पहलू खान, कुछ भी आप देख ले, कोई भी राज्य हमारा ऐसा नहीं बचा है। अभी अभी महाराष्ट्र में नासिक के इलाके में 2 ऐसे घटनाएं हुई है। मैं आपसे विनंती करती हूँ, कक्षा के अंदर, स्कूल के अंदर खोज जैसे प्रकल्प को समझिए। बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, शिक्षक और स्कूल और पाठशालाएं क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर गौर कीजिए। और ये नफरत भरी राजनीति को नकारिए, क्योंकि ये नफरत भरी राजनीति भारत के लिए, दक्षिण एशिया के लिए और विश्व के लिए इतनी खतरनाक है कि ये नफरत हमें खा जाएगी। और बस जो भी हमारे पॉलिटिकल लीडरान हैं, चाहे वो सत्ताधारी पक्ष में हो या विपक्ष में हो, अगर ये कड़वी निंदा नहीं करते हैं तो हम और आपको समझना है कि नफरत भरी राजनीति के खिलाफ बस भारतीय नागरिक को, स्त्री पुरुष बच्चों को खड़ा होना पड़ेगा और इस तरह की राजनीति का सामना करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर विश्वास तब होगा नागरिकों का जब सख्त से सख्त कार्रवाई वो शिक्षक, प्राध्यापक और स्कूल के खिलाफ होगी। और आप और हम अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये कार्रवाई होने नहीं जा रही है। कोई भी राज्य, चाहे उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, अपने आप को पुरोगामी राज्य नहीं कह सकता अगर नफरत भरी हिंसा के इस तरह के कार्य हो और छोटे छोटे बच्चों के साथ स्कूल के अंदर इस तरह का रवैया शिक्षिका करें। ये शर्मनाक है। हमारी आज़ादी के दिन हमने अभी अभी 15 दिन के पहले 15 अगस्त को मनाया। 10-15 दिन के बाद हमारे महाराष्ट्र में गणपति बापा की मूर्ति लाई जाएगी, दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन होगा, साथ साथ हमारे साथ ईद और क्रिसमस के भी त्यौहार
माने जाते हैं, मगर क्या हमारे बीच में इस तरह की नफरत की बीन जो पहले रथ यात्रा से बोए गए थे वो आज भी जो उबल के आ रहे हैं उसको हम और आप कब रोक पाएंगे? जरूर इसके बारे में सोचिए और ये वीडियो को आप रीट्वीट जरूर कीजिए। मैं इस वक्त राजीव कुमार त्यागी जी जो वहाँ के रिपोर्टर थे मुजफ्फरनगर के, जिन्होंने ये कहानी वीडियो की बाहर निकाली देश के सामने और उसकी वजह से आज ये भयानक चर्चा हो रही, उसकी भी अभिनंदन करना चाहती हूँ, क्योंकि इस तरह की पत्रकारिता के ऊपर हमें फख्र है।